उत्तर प्रदेश के मैनपुरी भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दिया बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में गढ़ को नहीं बचा पाएगी और रघुराज साक्या मैनपुरी से भारी मतों से विजयी होंगे। कहा कि विरासत तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से थी, लेकिन अब यह विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और समाजवादी पार्टी की जीत नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जनता के हित में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो कहते थे कि मैनपुरी नहीं आना पड़ेगा, तो विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार मैनपुरी में ही पड़ा रहा है। इससे साफ साबित होता है कि समाजवादी पार्टी को भाजपा का डर है। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। उसका एक सिंपल सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के भी पिछले 15-20 साल के इतिहास में सबसे कठिन चुनाव था 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था और वो दोनों वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में चार चार पांच पांच बार सरकारें गठबंधन से भी बना चुके हैं और अकेली दम पर भी पूर्ण बहुमत की बसपा ने भी और सपा ने भी सरकार बनाई। 7 से 12 बसपा और 12 से 17 उन दोनों का गठबंधन था और उन नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। इसके बावजूद बहुत बड़े कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी केवल 94,000 वोटों से ही अपना देखते रहिए। डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।